नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको विवाह के ऊपर कुछ बता रहा हूं, उसमें एक पार्ट मेरा हो चुका है, कि दूसरा पार्ट है। तो इसके बाद मैं आपको कुछ कुंडली भी दिखाऊंगा एक्सप्लेन करके, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग सके कि किस तरीके से विवाह के ऊपर कुंडली को देखा जाता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे प्रेजेंटेशन पे आते हैं अपने। जैसा कि पहले इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ये स्लाइड दिखा चुका हूं कि सप्तम, सप्तमेश और कारक। सप्तम यानी सातवां भाव के अंदर, सप्तमेश यानी सातवें भाव का स्वामी, और कारक यानी सातवें भाव का स्वामी, कारक जो होता है शुक्र होता है। अगर तीनों समराशि में हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। दूसरा समय आपको ऑलरेडी बताया है कि लग्न एवं चंद्रमा से पंचम एवं सप्तम भाव में भी शुक्र ग्रह का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक ये चीज है कि जब भी आप पत्रिका देखें तो ये देखें कि सप्तमेश कहाँ स्थित है लग्न पत्रिका में, यानी सातवें भाव का स्वामी कहाँ स्थित है। जहां वो स्थित हो उससे दूसरे सातवें और ग्यारहवें स्थान पर नजर डालिए। अगर वहां पर शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रह ना हो तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह वहां पर बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है। जब भी कभी कोई कुंडली देखें तो विवाह के लिए सर्वप्रथम ये भी देखने की कोशिश करें कि सप्तमेश कहाँ पर है, वो लग्न पत्रिका में जहां स्थित है उससे दूसरे सातवें और ग्यारहवें स्थान में अगर शुभ ग्रह है तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। ये स्लाइड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जस्ट मैंने वैसे ही इसको रिपीट किया है, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अच्छा, अब वो हमने बताया था कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मतलब देखिए कोई भी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि किसी भी भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे, किसी भाव में अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो उस भाव के अशुभ फल मिलेंगे, किसी भाव को शुभ ग्रह देख रहे होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, किसी भाव को अशुभ ग्रह देख रहे होंगे तो नेगेटिव फल मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाव निर्बल, भाव कमजोर होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा तो जाहिर है कि फल अच्छे नहीं मिलेंगे, और भाव मजबूत होगा, जो भाव का स्वामी है वो त्रिकोण के अंदर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो, और साथ में आपके शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको बल रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें ये बताया गया है इस स्लाइड के अंदर कि क्या कारण होते हैं कि जब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। तो पुरुष जातक के लिए अगर किसी मेल की कुंडली है तो उसके लिए यदि शुक्र यदि पाप मध्य हो, शुक्र यदि पाप मध्य हो मतलब यानी शुक्र के दूसरी ओर और एक ओर दोनों साइड में पाप ग्रह होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो होता है विवाह का कारक होता है, और विवाह का कारक ही अगर पाप दो पाप ग्रहों के बीच में है तो पाप कत्रि योग में विवाह कारक फंस गया तो उससे वैवाहिक जीवन में अभी सुखी नहीं रहता, वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि आती है अगर शुक्र पाप मध्य हो। शुक्र से चौथे सातवें आठवें एवं बारहवें भाव में अशुभ ग्रह, जहां कुंडली में आपका शुक्र है उससे चौथे सातवें आठवें और बारहवें भाव में अगर अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, अगर अशुभ ग्रह वहां ना बैठा हो तो अशुभ ग्रह वहां देख रहा हो तो भी अप्रसन्न वैवाहिक जीवन रहता है, वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं मिलती। शुक्र एवं चंद्रमा से सप्तम में मंगल व शनि हो। देखिए शुक्र भी विवाह कारक होता है, चंद्रमा से भी हम कुंडली देखते हैं, अगर इनसे सप्तम में, शुक्र से सप्तम, चंद्रमा से सप्तम, लग्न से सप्तम, ये सब विवाह को देखने के लिए है, अगर इनसे सप्तम भाव में मंगल या शनि है, शुक्र एवं चंद्रमा से सप्तम में मंगल व शनि हो, अगर मंगल और शनि बैठे होंगे तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, कुंडली देखते वक्त ये जरूर देखिए कि लग्न से सप्तम भाव में, शुक्र से सप्तम भाव में, चंद्र से सप्तम भाव में अगर मंगल व शनि बैठा है तो विवाह में संता नहीं होती। शुक्र एवं चंद्रमा मंगल या शनि से दृष्ट हो, वही चीज कि शुक्र भी विवाह का कारक है, शुक्र स्त्री कारक भी है, चंद्रमा भी स्त्री कारक ग्रह है, अगर ये मंगल या शनि से दृष्ट होंगे तो विवाह में वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम होती है, अगर स्त्री कारक है पीड़ित हो जाए।
शुक्र एवं चंद्रमा दोनों स्त्री ग्रह है कमजोर एवं पाप प्रभाव में हो। जैसे मैंने बताया आपको कि शुक्र और चंद्रमा जो स्त्री कारक ग्रह होते हैं, अगर वो दोनों कमजोर हैं, 6-8-12 भाव में बैठे हैं, उनपे पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप प्रभाव में वो हैं, तो उसमें जाहिर है कि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों स्त्री कारक ग्रह आपके निर्बल हो गए, कमजोर हो गए। इसके विपरीत अगर स्त्री जातक के लिए देखते हैं, क्योंकि स्त्री जातक के लिए देखिए शुक्र जो कारक होता है वो पत्नी के लिए हो जाता है, जब पति की बात करते हैं तो गुरु कारक होता है। अब गुरु कारक होता है तो स्त्री जातक के लिए हमको गुरु देखना है। अगर गुरु यदि पाप कर्तृ योग में हो, गुरु के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों, पाप मध्य में गुरु हो, तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता स्त्री का। अगर किसी फीमेल की कुंडली आई है तो उसमें चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हो, या गुरु से 4th, 7th, 8th, or 12th भाव में अशुभ ग्रह या अशुभ ग्रह का प्रभाव हो। गुरु से जहां गुरु बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, उससे 4th, 7th, 8th, or 12th भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों या उनपे अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो भी वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं मिलती। गुरु से सप्तम में मंगल व शनि, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि लग्न से, चंद्रमा से, शुक्र से सप्तम में, इसी प्रकार फीमेल कुंडली के अंदर गुरु से सप्तम में, क्योंकि गुरु मेल का पति का कारक होता है, इसलिए उससे सप्तम में अगर मंगल व शनि बैठे हों तो भी वैवाहिक जीवन असफल रहता है। गुरु मंगल या शनि से द्रष्ट हो, इसमें यही है, पति कारक है गुरु, तो अगर वो मंगल या शनि से द्रष्ट है, पाप प्रभाव में है, तो भी स्त्री जातक के लिए वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी होती है। सूर्य मंगल एवं गुरु तीनों पुरुष ग्रह कमजोर हों एवं पाप प्रभाव में हो। देखिए सूर्य मंगल और गुरु तीनों को पुरुष ग्रह माना जाता है। अगर पुरुष ग्रह कमजोर होंगे तो सीधी सी बात है कि स्त्री के जीवन में पुरुष का सुख नहीं होगा, और पुरुष की कुंडली के अंदर अगर शुक्र व चंद्रमा कमजोर होंगे तो पुरुष के जीवन में स्त्री का सुख नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुष की कुंडली में स्त्री ग्रह पीड़ित ना हो और स्त्री की कुंडली में पुरुष ग्रह पीड़ित ना हो। अगर ऐसा होता है तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी होती। हम इसमें वैधव्य योग भी आता है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो शास्त्रों में वर्णित है, और उसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा चीज आपको किसी चीज पर कहीं से लेके या कहीं से सुन के नहीं बता रहा हूं, ये सब शास्त्रों में वर्णित चीजें हैं, वही बता रहा हूं मैं। वैधव्य योग स्त्री के लिए, गुरु यदि पाप मध्य हो, गुरु अगर पाप मध्य हो, गुरु के दोनों ओर पाप ग्रह हो, तो वैधव्य योग की संभावना होती है, ध्यान रखना है इसके अंदर, तो उस पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर गुरु पाप मध्य के अंदर है, गुरु पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वैधव्य योग की संभावना बन जाती है। गुरु से सप्तम में मंगल व शनि हो, यानी जो चीजें हमने बताया था कि वैवाहिक जीवन में असफलता देती हैं, वही चीजें वैधव्य योग के अंदर भी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो अगर गुरु से सप्तम में मंगल व शनि हो तो भी वैधव्य योग के चांस बन जाते हैं। सूर्य मंगल व गुरु तीनों पुरुष ग्रह कमजोर एवं पाप प्रभाव में हो, जैसे हमने बताया कि अगर सूर्य मंगल व गुरु तीनों पुरुष ग्रह कमजोर होंगे तो भी स्त्री के जीवन में पुरुष का सुख नहीं होता। शनि और बुध की युति सप्तम में हो, शनि और युद्ध की बुध की युति अगर सप्तम भाव में है, तो भी ये ध्यान रखिए कभी जब कुंडली आपके पास आए तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि और बुध दोनों 7th भाव में बैठे हों। अगर शनि और बुध दोनों 7th भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, इसके अंदर वैधव्य योग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है, ये बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है ये वाली खाली, लेकिन ये जरूर है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगी, इसमें कोई दो राय इसके अंदर नहीं। अष्टम भाव में अशुभ ग्रह की राशि हो और वहां अशुभ ग्रह स्थित हो और वो भाव अशुभ ग्रह से भी द्रष्ट हो, अष्टम भाव में यानी जो 8th भाव है उसमें अशुभ ग्रह की राशि हो, अशुभ ग्रह कौन से हुए आपके शनि मंगल सूर्य इनकी राशि हो, और वहां पे अशुभ ग्रह स्थित हो और वो भाव भी किसी अशुभ ग्रह से देखा जा रहा हो। अशुभ से मतलब यहाँ पर पाराशरी नियमों से अशुभ या शुभ की बात नहीं कर रहे हैं, अशुभ का मतलब यहाँ पे नैसर्गिक अशुभ ग्रह पाप ग्रह जो होते हैं उनसे, यानी अष्टम भाव में राशि भी अशुभ ग्रह की हो, अशुभ ग्रह बैठा हो, अशुभ ग्रह ही वहां पे स्थित, अशुभ ग्रह ही उसको देख रहा हो, तो भी वैधव्य योग बन जाता है स्त्री कुंडली के अंदर, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। यदि सप्तमेश और अष्टमेश 12th भाव में हो,
सातवें भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी दोनों बारहवें भाव में चले जाए। आठवें भाव का स्वामी तो बेसिकली मृत्यु भाव है, ये आयु भाव भी कहलाता है, मृत्यु भाव भी कहलाता है। तो वो स्वामी अगर सातवें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया और दोनों बारहवें भाव में चले गए, बारहवां भाव भी जो है नेगेटिव भाव होता है, और सातवें भाव में राहु हो जाए, सातवें का स्वामी आठवें का स्वामी बारहवें भाव में चला जाए और सातवें भाव में भी राहु ग्रह बैठ जाए तो भी वैदर्भ योग हो जाता है। सप्तम या अष्टम भाव में शनि मंगल और राहु, सातवें भाव में या आठवें भाव में अगर शनि मंगल और राहु तीनों ग्रह बैठ जाते हैं तो भी वैदर्भ योग की संभावना बन जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कुंडली देखते वक्त। ये बेसिकली स्त्री की कुंडली के अंदर है जो मैंने आपको बताया है। इसी प्रकार से विदुर योग भी होता है, जैसे वैदर्भ योग था ऐसे विदुर योग है। ये पुरुषों की कुंडली में आपने देखना होता है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र यदि पाप मध्य हो, अगर विवाह का कारक पाप मध्य हो, पाप ग्रहों के बीच में हो, पाप कत्रि योग में हो, तो भी विदुर योग की संभावना बन जाती है। शुक्र से चौथे सातवें आठवें और बारहवें भाव में अशुभ ग्रह हो तो भी विदुर योग की संभावना बन जाती है। शुक्र जिस नवांश में हो उससे सातवें भाव में मंगल हो और सप्तमेश पंचम भाव में हो, समझिए इस चीज को। शुक्र जिस नवांश में हो, यानी शुक्र का देखिए कि डी नाइन कुंडली में वो किस नवांश में है, उससे सातवें भाव में मंगल हो, मान लिया उससे सातवां भाव काउंट कीजिए अगर वहां मंगल है, और जो सप्तमेश है डी वन कुंडली का वो पंचम भाव में हो, तो आपके विदुर योग बनने के चांस हो जाते हैं। शुक्र जिस नवांश में हो, यानी डी नाइन कुंडली में गए और शुक्र को देखा आपने कि किस नवांश में है, सब कुछ माना कि वो चंद्रमा की राशि में है, तो फिर डी वन कुंडली पर आ जाइए, चंद्रमा की राशि से सातवें भाव में देखिए अगर मंगल है और सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में है तो भी विदुर योग बन जाता है। यदि शुक्र और मंगल दोनों सातवें भाव में हो, किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों सातवें भाव में हो तो भी विदुर योग बन जाता है। देखिए विदुर योग का मैंने ये बताया कि ये चांसेस हैं, आज की डेट में बहुत मेडिसिन बहुत मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होती। पहले जमाने में जब ये मेडिसिन की फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी तो इस तरीके की संभावना हो जाती थी कि स्त्री के जब संतान हुई है उस वक्त या किसी और वक्त वो किसी दवाइयों के बिना या किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता था, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये योग बन भी रहा है तो ये इतना जरूर है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी तो अवश्य होगी, तो पुरुष की कुंडली में ये भी आपको देखना जरूरी है। सेवंथ लॉर्ड अगर निर्बल हो, सेवंथ लॉर्ड निर्बल हो, छह आठ बारह में बैठा हो, सेवंथ लॉर्ड निर्बल कैसा होगा कि वो छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए, बारहवें भाव में चला जाए और या नीच राशि में हो जाए तो भी विदुर योग बनता है। भारी अनाश का मतलब हुआ तो भी विदुर योग बनता है। अगर सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो और अपनी नीच राशि में आ जाए और खुदा न खास्ता उसके ऊपर से किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए तो पक्का विदुर योग बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है जो कुंडली देखते वक्त आप देखें। इसी चीज में आपको अभी और बता देना चाहता हूं कि बहु भार्य योग ये के मतलब आदमी की कुंडली के अंदर कैसे हम देखते हैं कि इसकी शादी एक है या एक से अधिक शादी है, तो वो भी हम कैसे देखते हैं, उसके लिए भी एक कुछ मैंने आपको रूल्स यहाँ पे लिखे हैं जो आपको संभावना बताते हैं कि एक शादी से अधिक शादी हो सकती है। शादी आजकल तो क्योंकि ऐसे विवाह अधिनियम बन गए हैं, ऐसे लॉस बन गए हैं कि एक शादी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। पुराने जमाने में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी जिस समय शास्त्र लिखे गए थे, लेकिन आज के डेट में भी यदि एक आदमी की शादी हो चुकी है और कोई उसका अफेयर है तो वो भी एक तरीके से दूसरी पत्नी मानी जाती है और उसको भी बहु भार्य योग माना जाता है। तो सप्तमेश और शुक्र यानी सेवंथ भाव का स्वामी और शुक्र अगर दोनों द्विस्वभाव राशि में हो, जैसे आप जानते हैं कि चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है, द्विस्वभाव राशि होती है, तो दोनों अगर द्विस्वभाव राशि में है, सप्तमेश भी और शुक्र भी, शुक्र माने विवाह का कारक हो गया, सप्तमेश सप्तम का स्वामी हो गया, या द्विस्वभाव राशि के नवांश में हो, जिस नवांश में वो बैठे हैं वो द्विस्वभाव राशि हो,
तो बहुभार्या योग बन जाता है। बुध और शनि सप्तम भाव में हो और एकादश भाव में दो ग्रह हो तो भी दो विवाह का योग बन जाता है। सप्तमेश शनि हो और अशुभ ग्रह से युक्त हो, शनि सेवंथ भाव का स्वामी हो, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो भी उसके अनेक पत्नियां हो सकती हैं, उसकी अनेक शादियां हो सकती हैं, आज की डेट में उसके अफेयर्स हो सकते हैं शादी के बाद भी, या शादी से पहले भी अफेयर्स हो सकते हैं, और शादी भी हुई तो भी मतलब उसको बहुभार्या योग माना जाता है। बलि सप्तमेश, सप्तमेश बलवान है, केंद्र या कोण में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में बैठा है, और दसवें भाव के स्वामी से त्रस्त है, तो भी ये समस्या हो सकती है। या सप्तमेश स्ट्रांग होने के बाद एक ग्यारहवें भाव के स्वामी के साथ हो, और या एक दूसरे पे दोनों दृष्टि डाल रहे हो, यानी सप्तमेश और एकादशेश दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो, या दोनों एक साथ बैठे हो, क्योंकि एकादशेश एकादश भाव जो होता है वृद्धि का भाव होता है, और सप्तम भाव जो होता है विवाह का भाव होता है, तो अगर दोनों एक साथ बैठ गए तो भी बहुभार्या योग बनने के चांसेस हो जाते हैं। सातवें भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ हो, या दूसरे सातवें भाव में पाप ग्रह हो, या शुक्र लाभ भाव में हो या नीच का हो, या सातवें भाव का स्वामी छठे या बारहवें भाव में हो, तो भी दूसरा विवाह होता है। सेवंथ लॉर्ड यानी सातवें भाव का स्वामी शनि या शुक्र की राशि में हो, शनि की राशि कौन सी आपकी हुई, कुंभ हुई, मकर हुई, और या शुक्र की राशि में हो, तुला हुई या वृषभ हुई, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और सेवंथ हाउस का स्वामी उच्च का बैठा हो, तो भी दूसरा विवाह होने के चांस होते हैं, बहुभार्या योग होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कुंडली के अंदर कि शनि शुक्र राहु और सूर्य ये अलगाववादी ग्रह हैं और मंगल और केतु वर्णात्मक ग्रह हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर शनि सूर्य राहु आदि का प्रभाव सातवें भाव पे होगा, चाहे दृष्टि से हो चाहे वो वहां बैठे, तो वो सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी डाइवोर्स करने की कोशिश करते हैं। अगर मंगल केतु का प्रभाव सातवें भाव पे होगा या मंगल केतु सातवें भाव में बैठे होंगे, तो वो दोनों आपस में बहुत झगड़ा करेंगे, डाइवोर्स उनमें नहीं होगा, मारपीट दोनों में झगड़ा बहुत होगा आपस में, ये बात पक्की है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बहुभार्या योग में दो और इसमें जो श्लोक हैं शास्त्रों में वो मैं बता देता हूँ। जयाधीशा शुभर युक्तो दृष्टो वा बल संयुक्त है तदा जातो धनी मानी सुख सौभाग्य संयुक्त है। कहने का मतलब है जयाधीशा मतलब सप्तमेश, जया भाव हो गया सातवां, उसका स्वामी शुभर युक्तो यानी शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो और बल संयुक्त हो यानी बलवान हो, तो जातक धनी मानी और सुख सौभाग्यशाली होता है। नीचे शत्रु गृहस्थे व निर्बले च कलत्रपे, यानी सप्तमेश नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, तो उसकी स्त्री रोगिणी होती है और उसके बहुत स्त्री होती है, इसके चांस होते हैं कि बहुभार्या योग बनता है। तस्यापि रोगिणी भार्या बहुभार्यो नरे भवेत। मंद भे शुक्र गहे वा जयादशे शुभक्षिते। सप्तमेश शनि या शुक्र की राशि में हो, मंद भे शुक्र गहे यानी सप्तमेश, मंद भे बोलते हैं शनि को, क्यों, क्योंकि शनि जो होता है मंद चलता है, बहुत स्लो चलता है, तो मंद भे शुक्र गहे शनि या शुक्र की राशि में सप्तमेश हो और उच्च में हो, यदि अपने उच्च में सप्तमेश हो, स्वच्छ गए यदि अपने उच्च में सप्तमेश हो, तो निश्चय ही जातक बहुत स्त्री वाला होता है। तो सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त हो और बलवान हो तो जातक धनी मानी सुखी होता है। यदि सप्तमेश नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में हो और निर्बल हो, तो उसकी स्त्री रोगिणी तो होगी ही होगी और हो सकता है कि उसके एक से अधिक पत्नी हो। सप्तमेश शनि या शुक्र की राशि में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो भी बहुत स्त्री वाला होता है, और यदि अपने उच्च में सप्तमेश हो तो निश्चय ही बहुत स्त्री वाला होता है। तो बहुत स्त्री वाले से मैं आपको फिर दोबारा कहूंगा, ये कंफ्यूज मत कीजिए कि उसने तीन शादी या चार शादी कर रखी है, लेकिन हाँ उसका अफेयर्स, उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसका ये सब चीज मिला के एक से अधिक होती है। दूसरा श्लोक इसमें ये है, शायद अंतिम श्लोक ही है ये। सप्तमेशे स्वनिचस्ते पापरक्षे पाप संयुते सप्तमे क्लिबरान शयनशे द्विभार्यो जातक भवेत। सप्तमेशे मीन्स सप्तमेश, स्वनिचस्ते मीन्स अपने नीच में,
पाप से पाप संयुक्त मीन्स पाप ग्रह की राशि में हो या पाप ग्रह से युक्त हो, सप्तमेश अपने नीच में हो या पाप ग्रह की राशि में हो या पाप ग्रह से युक्त हो, सप्तम भाव में बुध या शनि का नवमांश हो तो उसको भी दो स्त्री होती है, यानी बहु भार्य योग उसका बनता है। दूसरा कहता है कलत्र स्थान गे भाव में शुक्र जामित्र गे शनो, कलत्र स्थान गे मीन्स सप्तम, सप्तम स्थान में, भौमे मीन्स भौम मीन्स मंगल, यानी सप्तम स्थान में मंगल हो, शुक्र हो, जामित्रे शनि हो, जामित्र बोलते हैं शनि को, जामित्र गे शनि वो हो, लग्नेश अष्टम भाव में हो, लग्नेश रंध्रा शिस्ते, यानी लग्नेश अष्टम भाव में हो, रंध्र भाव में हो, तो तीन स्त्री होती हैं। अर्थात सप्तम स्थान में मंगल शुक्र शनि हो, लग्नेश अष्टम भाव में हो तो भी तीन स्त्री होती हैं। उसके अलावा शुक्र द्वि स्वभाव राशि में हो, द्वि स्वभाव गते शुक्रे सोचे तत्राशिनाय के, शुक्र द्वि स्वभाव राशि में हो तथा उस द्वि स्वभाव का स्वामी उच्च में हो और सप्तमेश बलि हो तो भी बहुत स्त्री वाला होता है। यानी ये पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं और इनको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इससे मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है किसी कुंडली में देखने पे, अगर ये आपको ध्यान में रहे तो सूत्र के, इसमें इस जातक के जीवन में एक से अधिक स्त्रियां पॉसिबल हैं, चाहे शादी के रूप में चाहे अफेयर्स के रूप में। इसके अलावा दो स्लाइड और हैं, अभी चूंकि इसमें टाइम लग जाएगा ये, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीक में कर दूं वीडियो में, क्या अच्छा है इसी में इसको खत्म कर लेते हैं। ये बीमार जीवन साथी के लिए है कि अगर शुक्र पाप ग्रह के पांचवें सातवें या नवे भाव में बैठा हो, क्योंकि शुक्र विभाग का कारक होता है, अगर वो पाप ग्रह के साथ बैठा है तो बीमार जीवन साथी आपका हो सकता है, जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। पहले और छठे भाव के स्वामी यदि शुक्र के साथ, छठा भाव क्या होता है, छठा भाव का स्वामी होता है रोग, रोग का स्वामी, और पहला भाव क्या है लग्न है यानी श्रम हो गए, अगर वो शुक्र के साथ हैं तो भी वो उम्मीद होती है कि पत्नी या पति आपका बीमार होगा। ये दोनों कुंडली के लिए है, पत्नी कुंडली लेडीसी कुंडली के लिए भी, जेंट्सी कुंडली के लिए भी। कमजोर एवं पीड़ित शुक्र सप्तम भाव में हो, शुक्र अगर कमजोर हो पीड़ित हो, देखिए विवाह का कारक है, तो तब भी और सप्तम भाव में हो तो भी पूरे चांसेस हैं कि आपका जीवन साथी बीमार होगा। शुक्र शनि व राहु के मध्य में हो, शुक्र अगर पाप कत्री योग में आ गया तो भी चांसेस हैं कि आपका जीवन साथी बीमार होगा। सप्तमेश पीड़ित हो, यानी सप्तमेश सातवें भाव पर स्वामी पीड़ित हो, सप्तम भाव पर पाप ग्रह शनि की दृष्टि हो, सप्तमेश की स्थिति नवांश आठ में भी अच्छी न हो, यानी सप्तमेश नवांश आठ के अंदर भी छह आठ बारह भाव में गया हो या तीसरे भाव में गया हो, अच्छे भाव में ना गया हो, तो भी पत्नी बीमार रहती है या पति बीमार रहता है सप्तमेश पीड़ित हो। यानी मतलब कहने का ये है कि सप्तमेश अगर पीड़ित है, सप्तमेश पे पाप ग्रहों का इफेक्ट है, सप्तम निर्बल है तो स्त्री बीमार रहेगी। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक भी है, शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र पाप कतरी में है, शुक्र निर्बल है तो भी चांसेस है कि वो शुक्र से भी आपकी मतलब जो जीवन साथी है वो बीमार रहे। तो ये और सप्तमेश अगर आठवें भाव में चला जाए तो आप जानते ही हैं, अगर सब आठवां भाव है कलह का, पीड़ा का, मृत्युकारक कष्ट का, और सप्तमेश उसमें चला गया तो सीधी बात है कि सप्तमेश उसमें मृत्युकारक कष्ट में चला गया तो भी पत्नी बीमार होती है। छठे भाव का स्वामी रोग का स्वामी होता है, अगर वो सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो वो भी जीवन साथी को रोग लेता है। तो आशा करता हूँ ये विवाह जीवन के ऊपर मैंने आपको चीजें बताई कि बहुवार्य योग क्या होता है, द्विवाह योग में क्या देखना है, कैसे विवाहित जीवन प्रसन्न होता है, कैसे अप्रसन्न होता है। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुंडली लेके समझाऊंगा जहाँ पे इस तरह के सूत्र इस्तेमाल में होंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ सके कि कैसे आपने कुंडली के अंदर भी इस चीज को देखना है कि इस कुंडली में विवाहित जीवन में क्या समस्या है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।